तो बच्चों वेलकम अगेन टू द चैनल केवेटिक क्लासेस, ए होम फॉर एस्पायरिंग स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले अपने सर्किल चैप्टर को। सर्किल के पहले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया और तीन चार क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आज हम लोग उसके आगे का पार्ट करने वाले हैं, आगे कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट एंड सीबीएसई में आए हुए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बच्चों हम लोगों ने थ्री क्वेश्चंस कर लिए थे, हम लोग करेंगे क्या अपना फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें दे रखा है एक एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, एडी बीई और सीएफ की लेंथ फाइंड करनी है। और दे क्या रखे, पूरे एबी की लेंथ दे रखे। पहले हम थोड़ा सा कलर को चेंज करेंगे क्योंकि कलर ज़रूरी है, कलर मेंटेन होने चाहिए, कच के लिए काम करना है, कलर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, बिना कलर के कुछ मज़ा ही नहीं आता है। तो ये देखिए अब क्या हो जाएगा, एसी कितना दिया हुआ है, एसी दे रखा है 10, बीसी दे रखा है कितना, बीसी दे रखा है 8, एबी दे रखा है कितना 12। ठीक है, अब इसको अगर आप एक्स ले लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये वाई ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा वाई। ये जेड ले लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जेड बनाएंगे ताकि थोड़ा सा आसानी रहे समझने। जेड है तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है लिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर x plus y अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी पूरा 12 है। अब x plus z अगर हम लोग करते हैं, x plus z, z को मिटाओ थोड़ा सा, y बन गया z, पता नहीं क्यों z बन गया y। अगर x plus z करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और अगर y plus z करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये तीन इक्वेशन बन गई, 1, 2 and 3, थ्री इक्वेशन बन चुकी हैं। तो अब तीन इक्वेशन में वॉल्यूम थोड़ा डाउन, वॉल्यूम थोड़ा कम, तो अगर हाँ तो ये तीन इक्वेशन बन सके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा हो रही थी इसीलिए मैंने उसको कम करा दिया। आप लोगों को कैसी वॉइस क्वालिटी लगती है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोगों को वॉइस क्वालिटी में मज़ा आता है सुनने में या फिर नहीं, या फिर आवाज़ चुभती है तो मैं उसका भी कुछ इलाज करूँगा, थोड़ा सा कैमरे के और करीब आ जाते हैं ताकि आप लोगों को आवाज़ सुनने में और अच्छा फील हो। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब तीन इक्वेशंस बन चुकी हैं और तीन हमारे पास वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल आपने पढ़ रखा होगा। तो ये लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, आप लोग फाइंड आसानी से कर लोगे। आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो मुझे पता है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो क्या हो जाएगा, तो एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस वाई। अब कई लोग कहेंगे यहाँ जी कहाँ से आ गया, नया वेरिएबल जी नहीं है वाई है। थोड़ा सा अगर आप लोग कंसंट्रेट होते तो आपको ये जी नहीं, ये वर्ड नहीं बोलते। ठीक है, वैसे किसी ने बोला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब किसी भी इक्वेशन में, जैसे सेकंड इक्वेशन में, ये फ्रॉम इक्वेशन वन ही हम लोग काम करें, कहाँ से करें, फ्रॉम इक्वेशन वन से ये काम हो रहा है। और हम लोग ये वैल्यू पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन टू में पुट करेंगे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस वाई इन इक्वेशन टू में अगर ये पुट करते हैं एक्स की जगह पे तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, या फिर 12 को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 माइनस 10 माइनस 12 कितना हो जाता है, माइनस 2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई 1, 4, ये इक्वेशन 4 बन चुकी है। ये सब लेट करना है बेटा, यहाँ आपको लिखना भी, जैसे लेट बी डी इज इक्वल टू वाई, ए डी इज इक्वल टू एक्स एंड ए डी इज इक्वल टू ए एफ बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम ए। ठीक है, बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम ए, इस तरह से थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग ताकि नंबर ज़्यादा मिले। मैं तो अभी तरीका बता रहा हूँ कैसे आंसर आया, बट लिख लीजिएगा आप लोग। मैं स्क्रीन शॉट भी डाल दूँगा अगर मुझे याद रहा इस वीडियो का एडिट करते टाइम, तो आप लोगों को स्क्रीन शॉट भी दिख रहा होगा इस पर। ठीक है, और नहीं याद रहा तो आपको सॉल्यूशन तो पता ही है, सॉल्यूशन का तरीका पता चल गया तो लिखना तो आपको आता ही है। ठीक है, अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 देखिए, दोनों में क्या है, दोनों में सेम वेरिएबल्स हैं। क्या रहेगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, ये दो इक्वेशन को लेते हैं 3 and 4 से। अब 3 and 4 को क्या कर लिया जाए, ऐड कर दिया जाए। देखिए इक्वेशन 3 क्या है, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8 एंड इक्वेशन 4 क्या है, माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 2, यही है। अब क्या करो, अगर दोनों को ऐड करेंगे, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो वाई से वाई कर जाएगा, क्या बचेगा, 2z बचेगा। और इधर 8 माइनस 2 कितना होता है, अगर ऐड करेंगे दोनों को तो 6 हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 2 विच इज 3,
क्यों हो रहा है ये, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवीजन हो जाएगा, 3 6 नहीं है 3 हो जाएगा, तो ये आंसर क्या जाएगा, जेड की वैल्यू 3 आ गई। जेड की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, इधर पुट करोगे तो आपको हर एक चीज़ की वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो आपको जब सारी वैल्यूज मिल जाएंगे तो इक्वेशन को हम समाप्त कर देते हैं, इक्वेशन यहीं पे खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 में क्या कर रहा है, को साइक्लिक या फिर इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमारे ज़माने में तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते थे, अब शायद चेंज हो गया वो नाम तो मुझे नहीं पता वो चीज़, बट कौन साइक्लिक बोलते हैं और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दोनों एक ही चीज़ है। इसको प्रूफ करना है क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे प्रूफ करेंगे आप, ये यही तो मैं बताने के लिए बैठा हूँ आप लोगों को, यही तो क्लाइमैक्स है, 2 लाइन का आंसर है, आपको प्रूफ करना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, आपको जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, 180, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो क्या करो आप, एंगल क्या चीज़ प्रूफ करना है, टू प्रूफ, आप लोग समझ गए क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, और क्या चीज़ प्रूफ करना है, एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180, ये दो चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, प्रूफ होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कैसे प्रूफ हो सकता है। अब एंगल ए प्लस बी तो 180 होता ही, ये होता है नहीं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों यहाँ पे लिखेंगे, टेंजेंट्स, दोनों के दोनों टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, फ्रॉम थ्योरम वन आप लोग लिख लेना शॉर्टकट में, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, एक होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360, ये चीज़ होता है कि नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता ही होता है। ठीक है, जब अगर ये 360 है और आपको आप पूछोगे अब ये क्वाड्रिलेटरल कहाँ से है, क्वाड्रिलेटरल बेटा 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल होगा ही होगा। ठीक है, जब 4 साइड्स होती है तो क्वाड्रिलेटरल होना है तो लाजमी सी बात है, जब ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सारे एंगल्स का सम 360 होगा। अब ए और बी आपको पता है 90 90, मतलब ये 180 है इन दोनों का सम, ए और बी का सम तो 180 आपने प्रूव कर ही दिया, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360, तो अब इसको 180 को उधर भेजो तो एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 180, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 हो जाएगा आपका, ये भी प्रूफ हो गया। ये पहला वाला यहाँ पे प्रूफ हुआ था, यहाँ लिख दो, ऐसे लिख दो, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 विच इज 180। आई होप आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, तो क्या लिखोगे, प्रूफ्ड हो गया आसानी से, बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व हो गया। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या प्रूफ करना है, ए सी इज इक्वल टू सी बी, ए सी को सी बी के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, ए सी को सी बी के इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 सर्कल दे रखे हैं, क्या है, कोसेंट्रिक है, मतलब एक ही सेंटर से दोनों सर्कल बने हैं। हाँ, अब आप क्या प्रूफ करना है, एक ये जो बड़े वाले सर्कल का ये क्या है, एक कॉर्ड है, और छोटे वाले सर्कल के लिए ही ए बी लाइन क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, इसके 2 पार्ट पर टच करें, इसके एक ही पार्ट पर टच करिए तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, टू प्रूफ क्या लिखेंगे, टू प्रूफ ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये चीज़ आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ये चीज़। अब क्या हो जाएगा, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू सी, सी से ओ पे यहाँ एक परपेंडिकुलर बना दीजिए, परपेंडिकुलर बना दिया, ये हो गया 90 डिग्री, इधर भी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, एंड जॉइन ओ ए एंड ओ बी, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ज्वाइन कर दो दोनों पॉइंट को, तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी, 2 ट्राइंगल की बात हो रही है, इन दोनों को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो ए सी और बी सी बराबर हो ही जाएगा आराम से, ए सी और सी बी या बी सी बराबर हो ही जाएगा। तो अब इन लोग कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करोगे, इसमें देखिए एक चीज़ है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्यू रेडियाई ऑफ
सर्कल दोनों के दोनों क्या है, रेडियस से बड़े वाले सर्कल के दोनों इक्वल होंगे होंगे। एंगल, एंगल देखो ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, क्यों? क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, या फिर परपेंडिकुलर वाली कहाँ लिख देना। और फिर उसके बाद क्या है इक्वल इसमें, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, क्यों? कॉमन है दोनों, दोनों कॉमन है, तो अब क्या हो गया, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया। तो ट्राइंगल ए ओ सी इस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी हो गए कॉन्ग्रेंट, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रेंट हुए किस वजह से कॉन्ग्रेंट हुए, साइड एंगल साइड की वजह से, और ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हो गया। ठीक, आप लोग सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन नंबर 6 भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा देखने में टफ है, बट है बहुत इजी। ठीक है, देखने में थोड़ा टफ है, हमें समझ में नहीं आता क्या करना है क्या करना है, बट है बहुत इजी, देखते कैसे इजी है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको फाइंड करना है पी सी डी का पैरामीटर। आपने देख रखा है कि पी ए दिया हुआ है, बस खाली पी ए जितना है उतना ही पी भी होगा, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि दोनों क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है। ए सी इज इक्वल टू ए ही होगा या सी ए इज इक्वल टू सी ही होगा, क्यों होगा? क्योंकि दोनों सी पॉइंट से क्या है, टेंजेंट है। बी डी इज इक्वल टू डी ई होगा, क्योंकि क्या है, दोनों डी ई और बी डी दोनों टेंजेंट है डी पॉइंट से। हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हमें ट्राइंगल का पैरामीटर चाहिए, तो पी सी प्लस सी डी प्लस बी डी, तो तीनों साइड से, तीनों साइड से होगा ही होगा। अब पी सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी को हम लोग लिख सकते हैं ये वाले, इस साइड को हम लोग सॉल्व करें, तो पी सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए पी माइनस ए सी लिख सकते हैं ना। पी सी को हम लोग ए सी में से, अगर ए पी में से अगर ए सी को माइनस कर दिया जाए, सी ए को माइनस कर दिया जाए, सी ए लिखा हुआ है तो सी ए लिखते हैं, सी ए को माइनस किया जाए तो ये बन जाएगा। और सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी को हम लोग लिख सकते हैं सी ई प्लस ई डी लिख सकते हैं आराम से। और पी डी को क्या लिख सकते हैं, पी डी को लिख सकते हैं पी बी माइनस पी बी में से अगर हम लोग डी बी माइनस कर दें, डी बी माइनस कर दें तो ये बन जाएगा। अब देखो क्या क्या चीज़ें इसमें सिमिलर है, सी ए सी ई के बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, चलो इसे लिख लेते हैं पहले। सी यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ई लिख सकते हैं, ठीक है, अब प्लस सी ई। अब और क्या चीज़ें बराबर हो रही हैं, ई डी, ई डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बी लिख सकते हैं, तो इसको क्या करो, डी बी लिख दो, और प्लस पी बी को ऐसे ही रहने दो, यहाँ डी बी को ऐसे ही रहने दो, डी बी से डी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी ई से सी ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए पी प्लस पी बी, और ए पी पी बी दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों बराबर यहाँ दे रखा है, जब दोनों बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, पी हुआ, इसको मिटाओ, ए पी या पी पी ए, बात देखिए लाइन का नाम है, बस खाली आप पहले कोई भी लिख सकते हो, बात देखिए, तो क्या लिख सकते हो, पी ए टू पी ए इसको लिख सकते हैं, टू ए पी ही लिखो, जब ए पी की बात ही हो रही है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस ए पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू ए पी, और ए पी की वैल्यू आपको दे रखी है, या पी ए की वैल्यू दे रखी है 14, तो क्या लिखोगे, 2 × 14 विच इज 28, यही सब तो मिला जुला क्या था, पैरामीटर था इसका, तो इसका पैरामीटर कितना आ जाएगा, 28। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। सातवें क्वार्टिक करते हैं, आठवां क्वेश्चन, और फिर आई गेस आज के सेशन को नहीं, समाप्ति तो नहीं करेंगे आज के सेशन में, कम से कम हम लोग करेंगे क्वेश्चन आठवां तक तो कर ही लेंगे सब। चलो पहले एट्थ कर लेते हैं, फिर आगे की बात बाद में करेंगे। तो एट्थ में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर एट्थ में दे रखा है ये, हमें क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है। देखिए एकदम आसानी से, बहुत ही स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। ए आर कितना दे रखा है, ए आर दिया हुआ है 7, ए आर 7 दिया हुआ है, और क्या दे रखा है, सी आर दे रखा है 5, और क्या दे रखा है हमारा, ए बी दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ए बी पूरा 10 है, तो ये वाला तो 7 हो जाएगा, कि ये दोनों टेंजेंट फ्रॉम सर्कल है। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 3, जब 7 और ये दोनों, ये पूरा 10 है तो ये 7 है, तो ये जाहिर सी बात है 3 होगा, ये वाला पार्ट भी जब 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो बी सी अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, बी सी इज इक्वल टू 8। स्क्रीन पे आपको सॉल्यूशन स्टेप वाइज दिख रहा होगा, बट मेरा क्या था मेन पर्पज, एक्सप्लेन करना कैसे आया सॉल्यूशन, टॉप में समझ में आया होगा ये सॉल्यूशन कैसे आया, एक बार और मैं समझाता हूँ। ए आर दे रखा तो ए बी हो जाएगा 7, तो पूरा ए बी मिला के 10 था, तो ये 7 है, तो कितना बचा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, 8th क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो गया बिना कुछ किए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9th की तरफ बढ़ते हैं, एक बार 9th को आप लोग सोचिए कैसे होगा, समथिंग समथिंग 8th की तरह होगा, लेकिन आप एक बार सोचिए इसको।
जब तक आप लोग सोचते हैं, मैं अपने थोड़ी सी टेक्निकल जो प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करता हूँ। एक सेकंड के लिए आप लोग मुझे समय दीजिए, मैं आप लोगों के पास आता हूँ। चलिए आ जाते हैं वापस से। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। अब इसको मान लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं चीज़ें। ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। और आप क्या लिख सकते हो, ए पी इज इक्वल टू ए एस, है ना, इक्वल है चीज़ इक्वल या फिर नहीं है, पहले ही क्वेश्चन बन गया। अब बी पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बी क्यू लिख सकते हो। एंड क्या लिख सकते हो, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। एंड डी आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, डी आर को आप लिख सकते हो इज इक्वल टू डी एस। एंड और क्या कर सकते हो, अब क्या करो, ये चार इक्वेशन होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। अब क्या लिखो, बाय बाय एडिंग, एडिंग अगर आप चारों इक्वेशन को ऐड करो, एडिंग ऑल इक्वेशन। ठीक है, कायदे से लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, इक्वेशन खत्म होती है। अभी आप लोग बस देखो कॉन्सेप्ट क्या है, जब सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, इतना चीज़ हो जाएगा। तो अगर हम ए पी और बी पी को एक साथ लिख दें, ए पी प्लस बी पी को एक साथ लिख दें, ठीक है, सी आर और डी आर को एक साथ लिख देते हैं, सी आर और डी आर को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, ये क्यों ऑफ हो जा रहा है, आई डोंट नो वाई। सी आर और डी आर को एक साथ लिख देते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग, ए एस और डी एस को एक साथ लिख देते हैं, ए एस प्लस डी एस को एक साथ लिख देते हैं, और बी क्यू प्लस सी क्यू को बी क्यू प्लस सी क्यू को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए पी प्लस बी पी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, सी आर प्लस डी आर कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ए एस प्लस डी एस कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, अब बी क्यू प्लस सी क्यू कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड इसमें आपको बस खाली करना है, क्या क्वेश्चन में बना है, ए डी फाइंड करना है। ठीक है, ए डी तो हमें क्या से मिलेगा ही नहीं, ए डी इधर तो ए डी मिलना चाहिए था ना, ये ए सी नहीं, ए डी इधर ए डी मिलेगा। ए डी फाइंड करना है सारी चीज़ें, इधर भाई दो, ए बी प्लस सी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ठीक है, ए डी सबके इक्वल हो जाएगा। तो हमें ए बी की वैल्यू पता है, ए बी कितना है, 6 है, सी डी कितना है, 4 है, और बी सी कितना है, 7 है। अगर ऐसा हम लोग कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 3। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगी आंसर आपका। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में हमारा हो गया है समाप्त। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। एडिटर ने इतने ज़्यादा क्वेश्चन भर दिए हैं कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन आता जा रहा है। देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़रा 10, 11 भी है, फिर बस 11, दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो आप लोग पेशेंस के साथ इस लेक्चर को देख लीजिए। इसमें क्या पूछा है, प्रूफ दैट पी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी। पी क्या है, बाइसेक्टर है बी सी का, ये चीज़ प्रूफ करना है। इसमें क्या है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, मतलब दो साइड्स क्या है, इक्वल है। तो हम पहले ही हमें देख के पता चल रहा है, ए आर जो है वो इसके बराबर होगा, ए क्यू के बराबर होगा, ये आपको पता है। बी आर क्या होगा, बी क्यू के बराबर होगा, बी आर बी पी के बराबर होगा, हाँ बी आर बी पी के बराबर होगा, सी पी के बराबर सी क्यू होगा, इतनी चीज़ें हमें पता है। और ए बी ए सी एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, ए बी ए सी एक दूसरे के इक्वल है, इतना भी हम लोगों को पता है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग बी पी को सी पी के इक्वल अगर आप प्रूफ कर देते हो तो आपका क्या हो जाएगा, कहानी सारी सॉल्व हो जाएगी, मामला सारा सेट हो जाएगा। ठीक है, ए आर प्लस बी आर, अच्छा ठीक है, ये क्या क्या है, हमें ये पता है ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, और हमें क्या पता है, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, एंड देन हमें पता है बी आर इज इक्वल टू बी पी, एंड देन हमें पता है सी पी इज इक्वल टू सी क्यू। ये तीन हमें, तीन इक्वेशन हमें पता है पहले से। और आइसोस्केलेसिस का मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये चीज़ हमें पता है। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए आर प्लस बी आर। देखिए कहीं पे गाना बजना शुरू हो चुका है, जल्दी से क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, ये गाना तेज इंटेंसिटी पकड़े उससे पहले हम लोग क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जड़ से मिटा देंगे क्वेश्चन को। अब ए आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू लिख सकते हैं, और बी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, बी पी लिख सकते हैं या फिर सी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ए आर क्या लिख सकते हैं, ए क्यू लिख सकते हैं, और
सी क्यू भी लिख सकते हैं सी आर को, यहाँ पे था ना ए आर इज बी आर इज इक्वल टू बी पी था, बी आर इज इक्वल टू बी पी था, और ए आर जब ये पूरा का पूरा इसके बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा सी क्यू के बराबर नहीं हो जाएगा। बस समझने की कोशिश करिए क्या है आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, जब भी आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो बी आर किसके बराबर हो जाएगा सी क्यू के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, ये चीज़ें हुई। तो आप क्या इसमें बोल सकते हो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है नहीं करते हैं इसको बराबर नहीं करेंगे, ठीक है इसको बराबर नहीं करेंगे, हमारे क्या ए बी ए सी के बराबर है, ये क्या है गिवन है। तो ए आर अब बी आर इसको लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं ए क्यू प्लस सी क्यू लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे ए आर बी आर ए आर ए क्यू के बराबर था तो हम लोग क्या कर देंगे इसको ए क्यू की जगह लिख देंगे ए आर और सी क्यू की जगह ऐसे रह देंगे, तो ए आर सी आर कर जाएगा तो बी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी क्यू। जब ये बी आर हमारा सी क्यू के बराबर हुआ तो यही बी आर हमारा किसके बराबर था बी पी के भी बराबर था, तो इसका मतलब क्या हो गया सी पी सी क्यू नहीं है सी पी होना चाहिए हाँ, और ये सी क्यू किसके बराबर था सी क्यू बराबर था हमारा सी क्यू बराबर था सी पी के, तो हमारा ये होने गया बी पी इज इक्वल टू सी पी होने गया। जब ये वाला इसके बराबर हो गया और ये वाला पूरा इसके बराबर था तो ये वाला इसके बराबर हो गया तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये हमारा ये भी प्रूफ हो चुका है थ्योरम। अब अगला एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द लेंथ ऑफ बी पी, इसकी लेंथ फाइंड कर ली। ये क्या होगा थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज लेना पड़ेगा, जो छोटा वाला ट्राइंगल है सबका सॉल्यूशन आपको साफ साफ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बट पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ये हमारा छोटे वाले का रेडियस 4 दे रखा है, बड़े वाले का रेडियस 6 दे रखा है, एंड पी ए एंड पी बी दो क्या है दो टेंजेंट है, पी ए की लेंथ दे रखी है 10 और पी बी की लेंथ आपको फाइंड करनी है ठीक है। मान लो ये क्या है ये 90 डिग्री होता है, ये मानना क्या है ये तो 90 डिग्री होता है, तो हम ये निकालेंगे। ये अगर 90 डिग्री है तो इसके थ्रू हम ये क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है हाइपो होता है, तो हाइपो हम लोग निकाल सकते हैं, हाइपो मतलब पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, तो पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए पी कितना है 100 है, 10 का स्क्वायर 100 और 36 है, क्या हो जाएगा पी क्यू पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 136 ही हो गया, और बाद में रूट रूट से जो भी बाहर निकालना है वो निकल जाएगा बाद में, उसका बात का बाद में देखा जाएगा, तो कह देगा अंडर रूट 136। अब यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री आपको बी पी फाइंड करना है ना, यहाँ हाइपो पता है परपेंडिकुलर पता है आपको क्या बेस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगा दो वापस से क्या हो जाएगा वो आप लिख सकते हो पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर, तो आप क्या करो पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 36 का तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा माइनस 44 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 16 हो जाएगा 0 हो जाएगा 2 जाएगा 120, तो पी बी पी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 120 और 120 की जो वैल्यू होती है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फैला दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे।